वीडियोस, सच जरूरी है। फेसबुक खोलिए, वहाँ आपके फूहड़ वेबसाइट आ रही है। इंस्टाग्राम खोलिए, वहाँ भी अश्लीलता की हद है। अश्लीलता अपने चरम पे है। पबजी वाले पैसा कमा रहे हैं, बर्बाद कौन हो रहा है? भारत की युवा पीढ़ी। कुछ और भी पबजी जैसे गेम है जो इतने बच्चों को एडिक्ट बना रहे हैं कि अगर कोई माता पिता उसका विरोध कर रहे तो झगड़ा कर ले रहे। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया कि जिन्होंने माता पिता की हत्या कर दिया है। ऐसे एडिक्टिव गेम है, ऐसे खतरनाक गेम बन रही है। इसी तरीके से अपनी पॉर्न वेबसाइट से इतना फूहड़पन फैला हुआ है। आप फेसबुक खोलिए, वहाँ आपके फूहड़ वेबसाइट आ रही है, वहाँ के फूहड़ फूहड़ रील आ रही हैं। इंस्टाग्राम खोलिए, वहाँ भी अश्लीलता की हद है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, अश्लीलता अपने चरम पे है। ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्शन अपने चरम पे है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, देश के सांसदों से निवेदन करता हूँ, विधायकों से निवेदन करता हूँ, माननीय जजों से निवेदन करता हूँ। अरे जब हमारी अगर नेक्स्ट यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, एडिक्ट हो जाएगी, सारा काम धाम छोड़ देगी, पढ़ला लिखला छोड़ देगी, योग नहीं करेगी, प्राणायाम नहीं करेगी, केवल ले दे के पॉर्न्स का पॉर्न का एडिक्ट हो जाएगी, अश्लील वीडियो देखेगी, अश्लील फिल्में देखेगी, अश्लील वेब सीरीज देखेगी या पबजी जैसे गेम खेलेगी, तो इस देश का क्या होगा? क्या इतनी घटिया घटिया वेब सीरीज बन रही है, उस पर सन्नाटा बना हुआ है? आखिर इस घटिया वेब सीरीज को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बन रहा है? अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? हमारी सरकारें क्या इतना फेल हो चुकी है कि वो ऑनलाइन गेम को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, इंस्टाग्राम को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, फेसबुक को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, यूट्यूब को नहीं कंट्रोल कर पा रही है? यूट्यूब पे जाके देखिए जरा। और सबसे आश्चर्य बात कि उसमें कितने तो भारत की संस्कृति के खिलाफ, ससुर के रिलेशन, अश्लील रिलेशन उसमें दिखा रहे, जेठ के साथ अश्लील रिलेशन, चचेरे भाई के साथ अश्लील रिलेशन, गंद फैली हुई है पूरा यूट्यूब पे। क्यों सरकार इनको अलाउ कर रही है? यूट्यूब वाले तो पैसा कमा रहे हैं, बर्बाद कौन हो रहा है? हमारी युवा पीढ़ी। पबजी वाले पैसा कमा रहे हैं, बर्बाद कौन हो रहा है? भारत की युवा पीढ़ी। इंस्टाग्राम वाले पैसा कमा रहे हैं, बर्बाद कौन हो रहा है? युवा पीढ़ी। ट्विटर वाले पैसा कमा रहे हैं, बर्बाद कौन हो रहा है? युवा पीढ़ी। जब हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी तो हमारी संस्कृति कहां से बचेगी? किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की यंग जनरेशन क्या कर रही है। जो समस्या, जो बीमारी पहले शहरों में थी, अश्लील फिल्में देखने की, अश्लील वेब सीरीज देखने की, अश्लील वेबसाइट पर जाने की, इंस्टा का रील देखने की, अश्लील वीडियो देखने की, वो बीमारी स्मार्टफोन ने गांव में पहुंचा दिया, गरीब से गरीब के यहां पहुंचा दिया, जहां 250 करोड़ स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, जनसंख्या 145 करोड़ है, स्मार्टफोन 250 करोड़ है, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे गेम के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। उसमें माता पिता के भी दोष है कि माता पिता दे रहे, लेकिन न दें तो क्या हुआ? जब एक आदमी ने दे दिया तो पड़ोसी देने के लिए मजबूर है। किसी एक व्यक्ति ने दे दिया, अगर दरोगा जी ने अपने बच्चे को स्मार्टफोन दे दिया तो सिपाही क्या करे? उसका बच्चा भी मांग रहा है कि देखो दरोगा अंकल, क्या तो आया हुआ है स्मार्टफोन, तुम क्यों नहीं दे रहे? तो वो भी क्या करे, मरता क्या ना करता, मजबूरी में सही, चाहे किसी से घूस लेना पड़े, स्मार्टफोन खरीद के देगा घर में। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, इसमें आप इंटरफेयर करिए, इसको आप रोकिए। अश्लीलता पर एक बार संसद में चर्चा होनी चाहिए। अश्लीलता को कैसे रोका जाए? इतना तेजी के साथ ये फैल रहा है, कश्मीर से केरल तक, कच्छ से कामरूप तक, जिस तरीके से अश्लील वेबसाइट फैल रही है, अश्लील वीडियोस घूम रहे हैं, अश्लील यूट्यूब पे प्रोग्राम बन रहे हैं, अश्लील वेब सीरीजें बन रही हैं, अश्लील फिल्में बन रही हैं, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। समाधान तो संसद से निकलेगा। हर चीज का इलाज पीआईएल नहीं है। मैं कितनी चीजों के लिए पीआईएल करूं? इलाज इसका संसद में होना है।
तो इसलिए कह रहा हूं ऑनलाइन गेमिंग को कैसे कंट्रोल करना है, क्या मैकेनिज्म होना है, इस पर एक बार संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में अश्लीलता जो फैलाई जा रही है इसको कैसे रोका जाए, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये जो अश्लील वेब सीरीज बना रहे बॉलीवुड के लोग या जहां के भी लोग, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, समाधान इसका निकलना चाहिए। केवल बाबाओं के अच्छे अच्छे प्रवचन से अश्लीलता नहीं रुकेगी, धर्मगुरुओं के राम कथा कहने से, धर्म गुरुओं के कृष्ण कथा कहने से अश्लीलता नहीं रुकेगी। अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग जो जहरील पूरा एकदम जहर का काम कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर वैसे सरकार रोकेगी तो कोई भी ये यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, ट्विटर वाले, फेसबुक वाले सीधे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट पूछे कि भाई किस कानून के अंतर्गत आपने रोक लिया। भारत में कानून का राज है ना, तो बिना कानून बनाए आप किसी भी गलत चीज को अपराध घोषित नहीं कर सकते। कोई भी चीज लाख बुरा हो अगर कानून उस पर नहीं है, कानून कहता, अगर कानून ये नहीं कहता कि हाँ ये चीज बुरा है, तो उसको हम अपराध नहीं घोषित कर सकते, अपराध नहीं मान सकते। इसलिए कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट भी विवश है। यदि मेरा मेरी बात ठीक लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने अपने धर्मगुरुओं के पास भेजिए, अपने अपने सांसदों के पास भेजिए, अपने अपने विधायकों के पास भेजिए और इस पर आवाज उठाइए। हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारण, अश्लील वेबसाइट्स के कारण, ये इंस्टाग्राम के कारण, ये फेसबुक के जो घटिया चीज़ें दिख रही हैं, अश्लील वेब सीरीज के कारण, अश्लील फिल्मों के कारण पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को छोड़ रही है, पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, उसी तरीके से सोच रही है। अगर इसको नहीं रोका गया न रिश्ता बचेगा, न संस्कृति बचेगी, न परिवार बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आप देख रहे हैं MNS News।